हेलो, आई एम डॉक्टर अभिनव सिंह वर्मा, अ न्यूरोसर्जरी रेजिडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। आई डिड माय एमबीबीएस फ्रॉम एम्स दिल्ली एज वेल। सो लाइक बहुत लोगों को होता है एम्स दिल्ली से एमबीबीएस करने में, आप इलेवन ट्वेल्थ के बाद जब आते हैं, सो व्हाट इज़ फर्स्ट ईयर लाइक एकेडमिकली, एम्स में कैसी पढ़ाई होती है, एम्स के कैसे क्लासरूम है सब, एम्स में दे आर लेक्चर थिएटर्स होते हैं एंड फॉर बिग गैदरिंग्स दे आर ऑडिटोरियम्स। सो टिपिकल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, फोर्थ, फिफ्थ, एम बी बी एस इज फॉर 5.5 ईयर्स। सो एम्स में तीन प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, उसी हिसाब से डिवाइडेड होता है। उसके अलावा, इन प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स के अलावा, मैं आपको एम्स की लेबोरेटरीज और जो हम कैडेवर डिसेक्शन हॉल्स होते हैं एंड बाकी फाइनल प्रोफेशनल्स में हाउ आर यू टॉट, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा जो एम्स में नए लोग पढ़ने आते हैं पूछते हैं, क्या एम्स में रैगिंग होती है या एम्स में सीनियर जूनियर का कैसा रिलेशन है? सो एम्स में रैगिंग नहीं होती है, द रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। एंड रैगिंग के रूल्स ना भी हों, तब भी एम्स में जो एनवायरनमेंट है, जो सीनियर जूनियर रिलेशनशिप है, वो बहुत ही होलिस्टिक और स्ट्रांग है। सो एम्स में बेस्ट पार्ट है, आप कभी सीनियर को सर नहीं बोलते। सो एमबीबीएस में बाकी कॉलेजेस से ये डिफरेंस है कि जो हमारा कल्चर एम्स का इसलिए अलग है क्योंकि आपसे दो तीन साल सीनियर भी हों, एमबीबीएस में आप कभी भी किसी सबको बाय फर्स्ट नेम बोलते हो। मैं किसी को बोलूँगा रोमन, शुभम या बैडी या कोई भी सीनियर के, इससे काफ़ी अप्रोचेबल होते हैं एंड एक फ्रेंड या एक बिग ब्रदर आपको गाइडेंस देते हैं। सो कमिंग टू द फर्स्ट प्रोफेशनल जो वन ईयर का होता है, उसमें बेसिक सब्जेक्ट्स एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते हैं। एनाटमी के लिए कैडेवर डाइसेक्शन हॉल होता है जिसमें आप बेसिकली डेड बॉडीज़ पे डाइसेक्शन परफॉर्म करते हैं। कनिंगम इज़ द द हैंड बाय मैनुअल, हैंडी मैनुअल विच यू यूज़, एंड बी डी चौरसिया इज़ द बुक विच इज़ जो सब पढ़ते हैं स्पेशली फॉर द एग्ज़ाम्स। एंड ग्रेज एनाटमी यू मस्ट हैव हर्ड, इस जिन लोगों को बहुत अच्छे से सब कुछ करना होता है ग्रेज एनाटमी, या एग्ज़ाम के टाइम पे ग्रेज एनाटमी यूजुअली रिवाइज करनी मुश्किल होती है, तो बाकी पूरे टाइम आप ग्रेज एनाटमी पढ़ते हैं। देन फॉर फिजियोलॉजी, आर एल बिजलानी हु वॉज एन एम्सोनियन, एम्स सीनियर हु गॉट पी जी रैंक वन एंड देन ही चोज फिजियोलॉजी। सो सर इज़ इन श्री अरबिंदो आश्रम एंड स्टिल ही टीचेस फिजियोलॉजी एंड योगा एंड अदर आस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। देन बायोकेमिस्ट्री, द टिपिकल बुक विच वी यूज फॉर इज लिपिनकॉट, एंड उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री लैब है, हम सब कुछ एलाइजा पीसीआर से लेके काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेस्ट भी करते हैं। एंड फिजियोलॉजी में एनिमल एक्सपेरिमेंट्स वर देयर इन आर टाइम, बट नाउ दे आर डूइंग सिमुलेशंस, सो दैट्स अ गुड मूव फॉर स्टूडेंट्स हु फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट टू स्टन, बेसिकली स्टन करते थे हमारे टाइम पे फ्रॉग्स को। एंड सो दैट्स अबाउट फर्स्ट ईयर। आप लेक्चर थिएटर्स में जाते हैं, टिपिकल 9 to 5 की क्लासेज होती हैं एंड कई बार आप आपके ट्यूटोरियल्स होते हैं एट 2 PM, सो दैट डेज यू गेट फ्री अ लिटिल अर्ली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 70% अटेंडेंस इज क्रूशियल, सो मोस्ट ऑफ माय बैच हैड वेरी गुड अटेंडेंस, 90% प्लस अटेंडेंस एज वेल। सो एग्ज़ाम के टाइम पे, दैट टाइम पीपल कैन यूजुअली सेव टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम एंड मैच द 70% अटेंडेंस क्राइटेरिया। सो इसके बाद सेकेंड ईयर आता है, मोस्ट क्रूशियल ईयर ऑफ एमबीबीएस एंड सेकेंड प्रॉफ। सो सेकेंड प्रॉफ होता है हमारे यहाँ 1.5 साल का एंड जो थर्ड प्रॉफ होता है वो 2 साल का होता है। सो जो सेकेंड प्रॉफ है उसमें पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फॉरेंसिक मेडिसिन होती है। सो पैथोलॉजी इज़ सबसे क्रूशियल सब्जेक्ट पूरी एमबीबीएस का माना जाता है। सो कहा जाता है PPP, पैथ, फार्मा एंड फिजियोलॉजी, जो आपके कंसेप्ट्स बनाते हैं। एंड पैथोलॉजी में रॉबिन्स इज द बिग टेक्स्ट बुक विच आई हैव रेड मल्टीपल टाइम्स एंड माई बैचमेट्स हैव रेड मल्टीपल टाइम्स एंड इट्स द फेवरेट बुक ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो।
सो इवन फॉर पीजी एंट्रेंस रॉबिन्स आपने अच्छे से पढ़ी हुई हो और यूएसएमएलई एग्जाम, लाइक आई टुक यूएसएमएलई एग्जाम्स एज वेल स्टेप 1, 2, 3 एंड दैट बुक प्लेज अ क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग यू स्कोर गुड. लाइक आपने रॉबिन्स का रखी है सो यू कैन स्कोर वेरी वेल. एक बार कंसेप्ट बन जाते हैं तो यू कैन परफॉर्म वेल इन एनी ऑफ द एग्जाम्स लाइक पीजी एंट्रेंस, यूएसएमएलई और प्लैब. दे आर क्वाइट ईजियर इफ यू हैवेंट नॉट रेड, इफ यू हैवेंट रेड दैट बुक. बाकी पैथोलॉजी के बाद फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में कैटसिंग पढ़ते हैं लोग बट एंड फ्रॉम दैट टाइम ट्रेंड ऑल्सो स्टार्टेड टू अटेंड जी आर जी क्लासेज एज वेल. सो दैट्स अ बिट लाइक हेल्पफुल टू लाइक मेमोराइज एंड लाइक आपको एक बार याद हो जाती है एंड सर हैज़ वेरी गुड निमोनिक्स. सो देन माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी, मैनी पीपल लाइक इन द एंड फर्स्ट एड इज द बुक. इवन फॉर बायोकेमिस्ट्री लाइक फर्स्ट एड हेल्प्स यू कंसाइज लाइक एंड रिकॉल वेरी वेल इन एग्जाम्स एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन सब्जेक्ट्स के लिए. देन सो ड्यूरिंग द सेकेंड प्रॉफ यू गेट टाइम टू गो फॉर अ रिसर्च इलेक्टिव टू यू एस और यू के. People go to, like I went to Johns Hopkins, like you can go to Johns Hopkins or Harvard Medical School typically for 9 weeks, a 2-month elective where you explore their clinical systems and get to know more about how the global clinical workflow is, like patient health record keeping systems. Then second prof ke baad, jo 1.5 saal ho jata hai, then the third prof starts which has like 5 major subjects: medicine, peds, obs, psm and surgery. So these are 5 major subjects and there are 5 minor subjects: psychiatry, derma and ophthalmology, orthopedics and ent surgery. So like 5 major, 5 minor. Iske alawa anesthesia aur radio bhi subjects hain but internship mein unme rotations bhi nahi hoti hain. So that's and the highest scoring subject is सबसे ज़्यादा marks हमारे यहाँ सी सी एम के होते हैं, सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन, जो बेसिकली पी एस एम है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन. एम्स में उसको सी सी एम कहते हैं. एंड सो दीज आर द 19 सब्जेक्ट्स ऑफ द होल 5.5 ईयर. एंड जो बेसिक फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं अनैट, फिजियो, बायोकेम, वो आप बेसिकली लैब बेस्ड होते हैं एंड अनाटमी में डाइसेक्शन हॉल होता है. और जो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं वो भी मोस्टली लैब बेस्ड होते हैं, जैसे पैथ, माइक्रो, फार्मा में सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एंड फॉरेंसिक में यू गो टू द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट एज वेल एंड ऑटोप्सी रूम एज वेल. एंड उसके बाद जो सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं वो दे यू गो टू वार्ड्स एंड ऑपरेशन थिएटर्स. And for PSM, you go to outreach centers and हमारी बल्लभगढ़ CRHSP में posting होती है and then you go to PHCs, primary healthcare centers in that year. So internship में भी आपकी वहाँ पर proper rotations होती हैं and उसके अलावा आपकी emergency medicine postings भी होती हैं apart from जो I told you about the major subjects. So internship is a very good time to explore your pursuits and focus on that, and you also get some time to prepare for the entrance examinations. And apart from that, the salary in internship is pretty decent, like around 25,000. And aapka aims mein, as I told in another video as well, the kharcha bahut hi aims mein kuch nahi hai aapka. So like fees is like less than 100 rupees per month, like 5,000 for 5 years. एंड वो आपकी फर्स्ट इंटर्नशिप सैलरी में ही कवर हो जाती है. एंड बाकी एक्सपेंसेस इज ऑन फूड ओनली. एंड इन फूड ऑल्सो इन डेली विद इन 10,000 पर मंथ यू कैन हैव वेरी गुड हेल्दी डाइट. आप बाहर से भी कभी कभी बाहर भी जाके खा सकते हैं. एंड बाकी मेस में इट्स कॉस्ट अराउंड 5 to 10,000 पर मंथ. सो फाइनेंशियली यू आर वेरी कम्फर्टेबल. एंड उसके अलावा इंटर्नशिप में जो ड्यूटीज़ होती हैं दे आर नॉट वेरी हेक्टिक. एंड इन व्हेन यू आर पोस्टेड इन पीएसएम लाइक आउटरीच सेंटर्स यू कैन हैव 24-hour ड्यूटीज़ वेयर यू आर द इंचार्ज एंड यू आल्सो कंडक्ट डिलीवरीज
ऑफ पेशेंट्स एंड लाइक आप लेबर रूम मैनेज करते हैं एंड इन ड्यूरिंग द डे यू ऑल्सो मैनेज दी ओपीडीज एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट में यू कैन हैव 12 आवर शिफ्ट एंड मेडिसिन में यू यूजुअली डू 9 to 5 और 9 to 2 हेल्पिंग आउट द जूनियर रेजिडेंट्स एज एन इंटर्न. अपार्ट फ्रॉम दैट मैनी पीपल आस्क कि एम्स में इफ दे डोंट गेट इन टू पी जी इज देर एनी अदर वे टू गेट इन. सो नॉन अकेड जे आरशिप इज ऑल्सो पाथवे विच पीपल कैन फॉलो टू होन देयर क्लिनिकल स्किल्स एंड टू गेट टू नो मोर अबाउट द वर्क कल्चर एंड द क्लिनिकल सेटअप ऑफ एम्स. बट दैट डज नॉट गिव यू एनी डिग्री, ओनली द सैलरी विच इज इक्विवेलेंट टू अ जूनियर रेजिडेंट. सो दैट्स माई पीस ऑफ एडवाइस. आई वुड से लाइक रीड फर्स्ट एड, बिल्ड योर कंसेप्ट, डेफिनेटली गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिकॉज द कंसेप्ट आर द यूजली द सेम विच गेट्स रिपीटेड. सो 5 years के प्रीवियस ईयर्स करने हैं बार बार. That helps you a lot. So all the best and see you in AIIMS Delhi soon.